सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर टू, कैपिटल। और इसमें हम लोग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बात हुई है बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में लगने वाला पैसा, ठीक है। चाहे आप अपने पैसा डालो, चाहे आप बोरो करके डालो, बिजनेस में पैसा जो होता है उसे बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सर ये याद करना है क्या? ये तो खुद से भी बना लेंगे। बिजनेस में पैसों की क्यों जरूरत होती है? नंबर वन रीजन, ताकि आप लायबिलिटीज टाइम पे कर पाओ, जो कर्जा चुकाना है वो टाइम पे चुका पाओ, ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई एसेट्स खरीदने हैं तो खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तीसरा, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है मार्केट में, कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस वक्त अगर इमीडिएटली पैसे लगा के एडवर्टाइजमेंट करना पड़े या जो भी पैसों को जरूरत पड़े तो उस वक्त आपके पास पैसे रेडी होने चाहिए। फोर्थ, बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ, अगर आपके पुराने मशीन है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार देख लेना ये सब 5 पॉइंट कम से कम यहाँ से लर्न कर लेना, ठीक है। ये वाला एक बार आप देख लीजिएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत बार 2 मार्क्स के लिए पूछा है। पास्ट एग्जाम में देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। सो अगर सोल प्रोप्राइटर के लिए आता है कि सोल प्रोप्राइटर कहाँ कहाँ से पैसे पा सकता है, तो आप 2 सोर्सेस बता दीजिएगा। यहाँ पे एनी टू लर्न करना है आपने, ठीक है। तो एक हो सकता है ओन कैपिटल। ओन कैपिटल यानी सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपना पैसा लगाएगा। दूसरा, वो हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बोरो करेगा, बिकॉज इसका बिजनेस छोटा होता है तो बहुत ज्यादा बैंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ सकती है बट वो जनरली मांग के काम चला लेगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में एक तो उनका अपना पैसा होता है जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा रिटेन प्रॉफिट मतलब जो उन्होंने कमाया है जिसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो वो वाला पैसा हो सकता है। एंड मेनली क्वेश्चन जो है ना वो इस पार्ट से पूछते हैं वो लोग कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे ला सकती है। तो आपका तो पूरा का पूरा एक चैप्टर इस पे डेडिकेटेड है, चैप्टर नंबर 3। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स, फैक्टरिंग, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो जो जो उस चैप्टर में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, सबका हेडिंग में से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, फाइनेंशियल प्लानिंग। इस पे मैंने केस स्टडी भी डाल रखा है, आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस पे एक केस स्टडी भी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं? देखो पहली बात तो ये काम कौन करेगा? एक फाइनेंशियल मैनेजर करेगा, ठीक है। एक फाइनेंशियल इंचार्ज करेगा। करता क्या है उसमें? नंबर वन काम वो करता है, एस्टिमेट करता है कि हमें कितने पैसों की जरूरत होगी। लेट्स से हम एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं, हम एक नया फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, तो अब फाइनेंस मैनेजर एस्टिमेशन करेगा कि ओवरऑल कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो चॉइस लगाएगा कि कहाँ से ले, पैसा कहाँ से लाए, अपना पैसा इक्विटी डाले या फिर बैंक से पैसा बोरो करे या फिर डिबेंचर के रूट में जाए या फिर गवर्नमेंट के किसी स्कीम में से पैसा ले ले। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस का चॉइस करेगा, ठीक है। एंड देन नंबर 3, वो डिसाइड करेगा कि अब ये फंड्स जो आ गए हैं, चाहे कहीं से भी आपने लाया है, कोई सा भी सोर्स से लाया है, इसको अब यूटिलाइज कैसे करना है। एक बार में पूरा पैसा सैंक्शन कर देंगे या थोड़ा थोड़ा करके सैंक्शन करेंगे, मतलब दैट इज ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग की फीचर्स, केस स्टडी में फीचर भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो अभी फीचर्स सर कैसे याद करें? देखो फाइनेंशियल मैनेजर, अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजर की जगह रख के सोचो, आप अगर फाइनेंशियल मैनेजर होते तो आपके काम के क्या क्या फीचर्स होते? आप डिसाइड करते कब, कैसे और क्यों जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, कब होगी, कैसे होगी और क्यों होगी, ठीक है। मतलब पैसा कब चाहिए, कहाँ कहाँ से चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर पैसा सैंक्शन करने से पहले ये सब तो सोचेगा ना, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है, बिकॉज ये प्लानिंग है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, एनी टाइप ऑफ प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखो, सर इतना सारा चीज देखा है, क्या समझेंगे इससे? इससे ये समझेंगे, देखो आप प्लानिंग चैप्टर अगर पढ़ रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, प्रोग्राम्स। हाँ, ये तो टाइप्स ऑफ प्लान है, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो प्लान है। ये अलग अलग वर्ड्स यूज करके एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये प्लान है। किस चीज का? फंड्स का, मतलब फाइनेंस का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यही तो है, प्लानिंग अबाउट फंड्स। तो प्लान की जगह उन्होंने टाइप्स ऑफ प्लान इतना सारा लिख दिया, तो डरना मत, ठीक है। और सर ये इतना सारा क्या है? अरे वही जो मीनिंग में पढ़े थे ना, यहाँ पे 1, 2, 3 इसी को पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अभी क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, अच्छे से प्लानिंग होगी तो बिजनेस अवॉइड कर लेगा। क्या अवॉइड कर लेगा? शॉर्टेज ऑफ फंड एंड एक्सेस ऑफ फंड, ठीक है। ज्यादा भी बोरो नहीं कर लेना है क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए कि काम रुक जाए,
सेकेंड साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में बात करेंगे इसी चैप्टर में, थोड़ी देर के बाद द नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो अच्छी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी जस्ट एक मिनट के बाद बात करेंगे। अच्छा, इससे अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होगा। देखो बैंक ने तो पैसा दे दिया बट अगर हमने अच्छे से यूज नहीं किया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो पैसा अच्छे से यूज करने के लिए वेस्टेज ना हो इसके लिए प्लानिंग जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एंड कंट्रोल रहेगा, ठीक है, पैसों पे हमेशा कंट्रोल रहेगा। अगर आपका प्लान अच्छा है तो आपका कंट्रोल, जैसे आप अभी रिविजन कर रहे हैं, अगर आपका प्लान अच्छा है तो आप पूरा रिविजन कर लेंगे टाइम पे, बट अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है तो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा मैटर, ठीक है। ओके, तो ये था अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। आई वुड से कि आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, पूरा चैप्टर अभी मत देखो, एक बार के लिए वीडियो पॉज कर लो इस वाले पॉइंट को ना, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका अच्छा से हुआ नहीं होगा, तो इसको अच्छे से आप एक बार कर लो 2 मिनट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो कैपिटल मतलब फाइनेंस, ठीक है, यहाँ अकाउंट्स वाला कैपिटल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल मनी, हमारे बिजनेस में जो मनी है। अच्छा, मनी कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इट कैन बी आइदर ओन फंड्स और इट कैन बी लोन फंड, ठीक है, या तो अपना पैसा होगा या तो बोरोड पैसा होगा। तो कैपिटल अपना पैसा लग सकता है बिजनेस में और बोरो किया हुआ पैसा लग सकता है, ठीक है। तो जो रेशियो होता है ना, रेशियो बिटवीन ओन फंड्स एंड लोन फंड्स, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गियरिंग या फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसको फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लाइक हमारे बिजनेस में इक्विटी जो है वो 1 लाख रुपए का है और हमारे बिजनेस में उधार जो है वो 2 लाख रुपए का है, तो व्हाट इज द रेशियो, 1:2, इसको आप बोलोगे कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब हम लोग अपने बिजनेस में दुगने पैसे बोरो करके काम कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप डेट हाई रखते हैं मतलब बोरो ज्यादा करते हैं तो आप इसको हाई गियरिंग बोलोगे, हाई कैपिटल गियरिंग। और अगर आप इक्विटी ज्यादा रखते हैं मतलब डेट कम रखते हैं, इन शॉर्ट इक्विटी हाई है मतलब डेट कम है, तो इसको आप लो गियरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर डेट ज्यादा है तो हाई कैपिटल गियरिंग, डेट कम है तो लो कैपिटल गियरिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार इस पे डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमें इक्विटी से भी पैसे लाने हैं, हमें डेट से भी पैसे लाने हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जो 100% इक्विटी या 100% डेट पे चलता है। हर बिजनेस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत मतलब 40-50, 40-60, 50-50 ऐसा कुछ रेशियो होता है। तो ये रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं, कब हमें ज्यादा अपना पैसा लगाना चाहिए, कब हमें ज्यादा डेट का पैसा, उधार का पैसा कब लेना चाहिए। सो इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सर ये पॉइंट ना समझ में नहीं आता। अच्छा देखो, समझो, समझा देते हैं अभी। देखो, अगर आप बोरोड फंड से बिजनेस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हेन द कंपनी यूजेस बोरोड फंड। अच्छा, मतलब अगर उधार के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। हाँ, उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, मतलब अपना इक्विटी रोक के दूसरों के पैसे से बिजनेस करना इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अच्छा, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब करो, आप उधार कब लेंगे, आप उधार तब लेंगे जब रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देखो, जब आप बैंक से पैसे लेंगे तो बैंक आपको बोलेगा कि हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अर्निंग 10 से ज्यादा है, 15% है, तो ही फिर बैंक से लोन लेने में समझदारी है, ठीक है। बिकॉज 15% कमा लेंगे, बैंक से पैसा ले लो, 15% कमा लो, उसको 10% दे दो, 5 अपना हो गया, फ्री में 5 अपना हो गया। तो बेसिकली दिस हैज टू बी मोर, ठीक है, दिस हैज टू बी मोर, तब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मौका मिले तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर लेना चाहिए, ठीक है। प्लस आपकी अर्निंग स्टेबल होनी चाहिए, ये करने के लिए आपकी अर्निंग स्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज आपको समय पे पैसा वापस भी तो करना है, ठीक है, तो इंटरेस्ट देना है। इन सब के लिए आपके पास रेगुलर अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब मौका मिले तो पैसा वापस भी करते चलो। और आपके पास सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट होने चाहिए, क्योंकि बैंक आपको जब लोन देगा तो वो आपसे गिरवी मांगेगा, वो बोलेगा कि कुछ हमारे पास गिरवी रख के जाइए, तो आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। देखो, इक्विटी क्या है ना, इक्विटी जो है ये ना शादी के जैसा है, मैरिज के जैसा है चीज़ है, ठीक है, ये परमानेंट होता है। इक्विटी जो होता है परमानेंट होता है, ये शादी के जैसा होता है। और डेट जो है ये ना, क्या बोला जाए, इस प्यार को क्या नाम दे, ये मतलब जो लोकल अभी चलता है ना वो सब, मतलब
ऐसी रिलेशनशिप, ठीक है? तो ये डेट उस टाइप का चीज है, ठीक है? मतलब ये चेंज हो सकता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये वापस करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अभी देखो, अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने बिजनेस पे, मतलब आप पूरा अगर डोमिनेट करना चाहते हैं, तो किसी और को मत बुलाओ। इक्विटी अगर आ जाएगा ना, तो एक पार्टनर ऐड हो जाता है, ठीक है? तो इक्विटी को मत रखो। अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, पूरे बिजनेस को होल्ड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे किसी पर्सन को लाओ जिसको कभी भी वापस भेज सकते हैं, ठीक है? तो डेट को हम लोग कभी भी वापस कर सकते हैं। डेट आने से ओनर नहीं आ जाता, इक्विटी आने से ना ओनर हो जाता है, वो पार्टनर हो जाता है, आधा हक उसका हो जाता है, ठीक है? तो इक्विटी को नहीं लाएंगे अगर हमें कंट्रोल एक्सरसाइज करना है तो। अच्छा, बड़ा गजब का एग्जाम्पल था। अच्छा, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए, मतलब आपको अगर ऐसा चाहिए कि पैसे अभी लेंगे बट कभी भी वापस करने का मन हुआ तो कर देंगे, लाइक वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट और बीच में लगा कि नहीं यार प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हो रहा, तो पैसा वापस कर देंगे। तो अगर आपको वैसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जब मन मर्जी तब वापस कर दो, तो गो फॉर डेट, ठीक है? डेट में जाओ, कभी भी वापस कर सकते हैं। इक्विटी क्या परमानेंट है भाई, इक्विटी परमानेंट है, उसको कभी भी वापस नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसा है आपका, बिजनेस कैसा है? लिबरल अर्निंग है, मतलब रेगुलर अर्निंग है। अगर रेगुलर अर्निंग है तो यू कैन गो फॉर डेट, यू कैन गो फॉर डेट, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह ये सब पे कर देंगे, हमारे पास पैसा जल्दी जल्दी आता है। लेकिन अगर आपका पैसा ऐसा है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें वाइड फ्लक्चुएशन होता है, बहुत दिन दिन के बाद पैसे आते हैं, तो फिर इट्स बेटर कि आप अपना इक्विटी लेके बैठो, क्योंकि डेट लोगे, लोन वापस करने का टाइम आ जाएगा, तब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा दिन रुक जाओ। तो पैसे बोरो तभी करना जब आपका लोन वगैरह, मतलब रेगुलर अर्निंग होता है। एंड लास्ट एक पॉइंट कर लेते हैं, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। देखो, अगर लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म परमानेंट, परमानेंट क्या होता है? इक्विटी, वो परमानेंट है। बाकी अगर अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जल्दी वापस करना है, तो उसमें आप डेट्स में, प्रेफरेंस में, इन सब में जा सकते हो, ठीक है? हो गया, समझ में आ गया? ये एक बार अपने एंड से इसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो मैंने सब कुछ आपको एक ही स्लाइड में यहाँ पे दे दिया है। फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए ना, लॉन्ग टर्म पैसे होते हैं, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इसको कभी कभी ब्लॉक कैपिटल भी बोला जाता है, बिकॉज एक बार आपने एसेट खरीद लिया तो वो पैसा वहां ब्लॉक हो गया, अब वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। वंस यू सेल द एसेट, जो कि 20-25 साल, 30 साल बाद करेंगे, तो 20-25-30 साल के लिए एसेट, वो जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, दैट इज वाई इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑन द अदर हैंड, वो कैश से शुरू होता है। कैश से फिर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल से हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को फाइनली फिनिश गुड्स बनाते हैं, और वो फिनिश गुड्स कोई हमसे खरीद कर जाता है, उसे हम डेटर कहते हैं, और वो डेटर फिर हमें वापस कैश दे देता है। तो वर्किंग कैपिटल जो है घूम घूम कर वापस से कैश बन जाता है, इसीलिए इसे हम सर्कुलेटिंग या फिर रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग एवरी टाइम, ठीक है? अभी कैश बन गया, अब ये वापस से वे पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है? तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट। इस पे मैंने केस स्टडी भी डाला है, केस स्टडी की वीडियो आप देख लेना, तो इस पे कुछ केस स्टडीज भी आपको मिलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल पे। और फिक्स कैपिटल का किया है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स। आप अगर पहला और दूसरा फैक्टर देखेंगे ना, तो ये कॉमन है दोनों में, ठीक है? नेचर ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, इंडस्ट्री लगा के रखे हो, तो चाहे फिक्स कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल हो, दोनों आपको ज्यादा लगेंगे, बोथ विल बी रिक्वायर्ड मोर, ठीक है? अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग यानी कि एक दुकान खोल के बैठे हो, छोटा मोटा कोई आइटम बेचना है, तो फिर वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल दोनों आपको कम लगेंगे, ठीक है? दूसरा, साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस है तो दोनों आपको ज्यादा लगेंगे, फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। अगर छोटा बिजनेस है तो दोनों आपको कम कम लगेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर बात करते हैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की। अगर आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स मतलब जैसे मशीन बना रहे हो, आपका काम है मशीन बनाना, तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। बट अगर आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, तो छोटे छोटे गुड्स बना रहे हो, तो आपको कम पैसे में हो जाएगा, कम फिक्स कैपिटल लगेगा। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव है, ज्यादा मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पूरा मशीन लगा हुआ है आपका, एक से एक भारी मशीन मंगा कर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर आप लेबर्स की हेल्प से, ठीक है, अगर आप लेबर यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, तो लेबर्स में कम पैसे लगेंगे, ठीक है? फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, जितना ज्यादा टाइप का प्रोडक्ट बनाओगे उतना फिक्स कैपिटल लगेगा, जितना कम प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना कम कैपिटल लगेगा। हो
ठीक है, वर्किंग कैपिटल का भी एक दो और डिस्कस कर लेते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल छोटा है, मतलब जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जल्दी जल्दी बिकता है और जल्दी जल्दी पैसे आते हैं, तो अगर आपका पैसा जल्दी जल्दी आता है तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज पैसा तो आ ही जा रहा है ना, ठीक है। तो लॉन्ग वर्क अगर है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल तो आपको ज्यादा वो लगेगा, हायर वर्किंग कैपिटल लगेगा, बिकॉज अगर लंबा आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, बहुत टाइम लगता है प्रोडक्ट बनने में, बहुत टाइम लगता है बिकने में, बहुत टाइम लगता है पैसा वापस आने में, तो आपको अपना वर्किंग कैपिटल हाई रखना पड़ेगा। फिर रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, ये जो मैंने बताया था ना कैश, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि कैश से हम लोग शुरू करेंगे एंड देन वापस से घूम फिर कर हम लोग कैश पे जो पहुंचेंगे, इसको बोलते हैं एक टर्नओवर, दिस इज वन टर्नओवर, ठीक है। तो कितनी बार कैश जाकर घूम कर वापस कैश बन जाता है, साल में ऐसा 10 बार होता है, बहुत बार हो रहा है, तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। बट सर साल में ना सिर्फ 2 बार ऐसा हो रहा है, कम बार ऐसा हो रहा है, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। एंड लास्ट आता है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, और जब आप बेच रहे हैं तो कैश पे बेच रहे हैं, तो आपके पास तो पैसा ही पैसा है, क्रेडिट में खरीद ले रहे हो रॉ मटेरियल, कैश में बेच रहे हो फिनिश गुड्स, तो पैसा का तो आपका कोई कमी नहीं है, तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। नाउ हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है, अब लास्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, में सबसे पहला आता है परमानेंट। परमानेंट वर्किंग कैपिटल उसे कहते हैं जो ऑल टाइम हमारे बिजनेस में लगेगा, एकदम रेगुलर ये हमारे बिजनेस में परमानेंट लगता है, मतलब लगता ही लगता है, सभी बिजनेस को ये लगेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है टेम्प्ररी। टेम्प्ररी जो होता है ये होता है इन एडिशन टू परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो तो रिक्वायर्ड है, वो कंपलसरी है, ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल दो टाइप के हो सकते हैं, रेगुलर जो आपको ऑल टाइम लगेंगे, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेबर्स को पे करने के लिए पैसा चाहिए, छोटे मोटे रिपेयर कराने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो कुछ पैसे हैं जो आपको डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे चाहिए होता है, उसे रेगुलर कहते हैं। और कुछ होता है इनिशियल। इनिशियल मतलब जब बिजनेस सेटअप करते हैं ना तब थोड़ा खर्चा लगता है, जैसे लीगल चार्जेस पे करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का काम करना है, तो शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा लगता है, उसे बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, टेम्प्ररी वाले जो होते हैं वो होते हैं नंबर वन सीजनल। सीजनल जैसे कि आप कभी देखोगे फेस्टिव सीजन में मॉल्स में एक्स्ट्रा सेल्समैन आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा सेल्समैन की जो सैलरी होती है, मॉल्स को सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, एक्स्ट्रा लाइटिंग, तो उसकी जो खर्चे हो रहे हैं वो सब सीजनल वर्किंग कैपिटल है, तब आपको बस उस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन में पैसे की जरूरत होती है। और एक होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल, कभी कुछ स्पेशल सिचुएशन आ गया, जैसे कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट पे केस कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, हम पे केस कर दिया कंज्यूमर फोरम में जाके, तो अब हमें जाके केस लड़ना है, तो उसमें जो खर्चा आ रहा है, ऑल दैट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक आता है ग्रॉस एंड नेट, इसको मैंने रिवीजन वीडियो में कवर कर रखा है, ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझा रखा है, रिवीजन वीडियो पार्ट वन यूट्यूब पे है, आप अगर जाके देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट वहां पे समझाया हुआ है, ठीक है। लास्ट एक बस आप इस चैप्टर से ये देखकर जाना, इसमें आई वुड से कि आप 3 पॉइंट कम से कम करके रखो, एक तो आप मीनिंग कर लेना, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का, एक आप अदर जो नेम होता है ना ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो आप कर सकते हो, और एक सर्कुलेशन। फिक्स्ड कैपिटल जो है ये तो ब्लॉक होता है ना, ये तो ब्लॉक कैपिटल होता है, ये सर्कुलेट नहीं करता, इट डज नॉट सर्कुलेट, ठीक है। तो जो जो हमने किया है ऑलरेडी उसी से बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यू नीड टू गिव 15 to 20 मिनट्स, नोट्स एक बार पढ़ लीजिए सारा कुछ, और जल्दी से इस चैप्टर के बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे।